हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो सभी यूजीसी नेट के रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जल्दी से आप मुझे इसका जवाब बताएंगे। जेल में कौन सा जुमरा मंटू के अफसानों पर मुश्तमिल है? यहाँ पे देखिए, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा जुमरा है जो मंटू के अफसानों पर मुश्तमिल है। अलिफ हो जाएगा, बा है, जीम है और दाल, यानी पहला ऑप्शन होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा, कौन सा इसमें आपका जवाब हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे अपने आंसर बता दीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा थर्ड, यानी काली शलवार ठंडा गोश मोजेल। ये जो जुमरा है यानी तीसरा, ये मंटू के अफसानों का जुमरा है। तो अगर हम बात कर लें पहले ऑप्शन की, ये सही क्यों नहीं है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ठंडा गोश्त या फिर काली शलवार, ये तो मंटू के अफसानों के नाम है, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया लिहाफ, ये जो है मंटू का अफसाना नहीं है, बल्कि ये किसका अफसाना है इसे भी आप याद रखेंगे, तो ये है असमत चौधरी का अफसाना। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे देखेंगे दिया गया है टोबा टेक सिंह, तो टोबा टेक सिंह जो है ये मंटू का अफसाना है। अब यहाँ पे एक और दिया गया है मैना मेरा नाम राधा है, ये भी मंटू का अफसाना है, लेकिन जो यहाँ पे दिया गया है लंबी लड़की, ये राजन सिंह बेदी का अफसाना है, तो इस लिहाज से जुमरा भी सही नहीं हो सकता है। अब हम चौथे ऑप्शन की अगर बात कर ले, यहाँ पे देखा गया, देखिए बापू गोपीनाथ है, तो ये तो मंटू का अफसाना है, इसे भी याद। निजात जो है ये मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है, नया कानून भी मंटो का अफसाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम रिपीट होते रहते हैं। तो जरा मुझे बताएंगे सादत हसन मंटो का पहला अफसाना कौन सा है, साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे आपके पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है। आप मुझे बताएंगे आपका पहला अफसाना कौन सा है, पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है, और साथ ही साथ में आपके इकलौते नॉवेल का नाम क्या है। इन तीनों ही क्वेश्चन के जवाब जल्दी से आप मुझे बताएंगे। तो पहले सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी पहला अफसाना आपका है तमाशा, आपका पहला अफसाना है तमाशा, और आपके पहले अफसाने मजमू का नाम है आतिश पारे, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। आपके पहले अफसाने मजमू का नाम क्या है, आतिश पारे। आपके इकलौते नॉवेल का नाम क्या है बगैर उनवान के, इसे भी आप नोट कर लेंगे। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं मंटू की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, तो इसे नोट कर लीजिएगा 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1955 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है, ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ड्रामा अनारकली में बाबदुम के मंजर सोम का उनवान क्या है, क्या शीश महल होगा जवाब, सलीम का ऐवान होगा, किले लाहौर का एक ऐवान है या फिर अनारकली है, जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी किले लाहौर का एक ऐवान। ड्रामा अनारकली में बाबदोम के मंजर सोम का उनवान क्या हो जाएगा, तीसरा जवाब हो जाएगा। आप सभी को ज्ञात होगा कि अनारकली जो ड्रामा है ये किसका ड्रामा है, इम्तियाज अली ताज का ये ड्रामा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उर्दू के एग्जाम के लिए। इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश कब हुई, इसे भी नोट कर लीजिएगा, 1900 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लाहौर में, और 1970 ईस्वी में लाहौर ही में आपका इंतकाल हुआ है, एक कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई थी। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं ड्रामा अनारकली के बारे में। ड्रामा अनारकली कब लिखा गया है, तो जवाब नोट कर लीजिएगा 1922 में लिखा गया है और इसकी इशात अमल में आई है 1932 ईस्वी में। अब आप मुझे बताएंगे ड्रामा अनारकली कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, साथ ही साथ में मेंशन करेंगे ड्रामा अनारकली कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है। आप सबको ये चीज़ें रट चुकी होंगी, तो ड्रामा अनारकली जो है तीन अबवाब पर मुश्तमिल है, याद रखेंगे ड्रामा अनारकली तीन अबवाब पर और 13 मनाजिर 13 सीन पर मुश्तमिल ड्रामा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रामा अनारकली के पहले बाब का उनवान है इश्क, दूसरे बाब का है रक्स और तीसरे बाब का है मौत, जरूर ध्यान रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। रानी केतकी की कहानी में केतकी के वालिद का नाम क्या है, ऑप्शन आपके पास में राजा जगत प्रकाश है, महेंद्र ग्रह है,
कुंवर उदय भान है, राजा सूरज भान है। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी राजा जगत प्रकाश। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रानीखेत की कहानी, आप मुझे बताएंगे ये किसकी दास्तान है, ये दास्तान है तो आप मुझे बताएंगे किसकी दास्तान है, पहले तो ये बताएंगे। दूसरा मुझे बताएंगे रानीखेत की कहानी ये दास्तान कब लिखी गई है, किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, इन तीनों ही सवालों के जवाब आप मुझे बताएंगे। तो पहले सवाल का जवाब हो जाएगा इंशा, इंशा की ये दास्तान है, यानी इंशाउल्लाह खान इंशा की ये दास्तान है, इस बात को नोट कर लेंगे। और ये दास्तान कब लिखी गई है, 1803 में लिखी गई है, और किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, नवाब हुसैन अली खान, नाम नोट कर लीजिएगा, नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर लिखी गई, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंशाउल्लाह खां इंशा की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, तो 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी कुछ अहम तसानीफ उनमें दरियाए लताफत हैं, सिल्के गौहर हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, तुम ही कहो तुम्हें अपना बना के क्या पाया, मगर यही कि जो अपने थे सब पराए हुए, ये किसका शेर है, क्या ये हसरत का है, फानी का है, असगर का है, या फिर जिगर का है, जल्दी से अपने आंसर आप मुझे बता दीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी फानी बदायूनी का ये शेर है। वो आप मुझे बताएंगे फानी का असल नाम क्या है, साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे फानी बदायूनी के पहले शेरी मजमुए का नाम क्या है, फानी बदायूनी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ ही साथ में जाए पैदाइश जाए वफात भी बताना मत भूलिएगा। तो पहले आप नोट कर लीजिएगा फानी का असल नाम है शौकत अली खां, क्या नाम बताया हमने, शौकत अली, जरूर याद रखेंगे। और आपके पहले शेरी मजमुए का नाम क्या है, दीवाने फानी, नोट कर लीजिएगा, क्या नाम बताया हमने, आपके पहले शेरी मजमुए का नाम क्या है, दीवाने फानी। फानी बदायूनी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है तो नोट कर लेंगे, 1879 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, 1941 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, शगुफ्ता और गालिब की मौत किस सन में हुई, ऑप्शन आपके पास में 1869 है, 1868 है, 1867 है, 1865 है, तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, कई बार हमने क्लास में डिस्कस भी किया है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी 1869। अब आप मुझे ये बताएंगे गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, इंतकाल का सन तो बता देंगे लेकिन जाए वफात भी आप मुझे बताएंगे, साथ ही साथ में शगुफ्ता के बारे में दोनों चीज़ आप मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं शगुफ्ता के बारे में, शगुफ्ता की पैदाइश हुई है 1809 में, कहाँ पे हुई है, दिल्ली में, और 1869 में आपका दिल्ली में इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के बारे में, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में आगरा में, और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है, बहुत ही अहम है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों, ये किसका शेर है, क्या ये इरफान सिद्दीकी का है, फ़ानी का है, शहरयार का है, या फिर कलीम आजिज का है, जल्दी से मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी शहरयार, बहुत ही अहम है उर्दू के एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे शहरयार का नाम क्या है, तो आपका नाम क्या है ज़रा नोट कर लेंगे, कुंवर अखलाक, बहुत अहम है, कुंवर अखलाक मोहम्मद खान, नाम नोट कर लीजिएगा। अब आप मुझे ये बताइएगा आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई, इंतकाल कहाँ हुई, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला वो ये है, शहरयार के पहले मजमुए का नाम क्या है, पहला शेरी मजमू आपका कौन सा है, पहला शेरी मजमू कौन सा आपका है, ये भी आप मुझे जल्दी से बताएंगे। तो आपके पहले शेरी मजमुए का नाम क्या है, इसमें आज़म, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अहम है, आपके पहले शेरी मजमुए का नाम क्या है, इसमें आज़म, और आपकी पैदाइश हुई है 1936 ईस्वी में बरेली में, और आपका इंतकाल हुआ है 2012 ईस्वी में अलीगढ़ में, बहुत अहम है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
मसनवी गुलजार नसीम पहली बार कब शाये हुई, इशाअत कब अमल में आई है? 1844 ईस्वी में है, 1852 है, 1846 है, 1842 है? जल्दी से अपने आंसर आप मुझे बता देंगे तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला, यानी 1844 में इसकी इशाअत अमल में आई है। आप सबको पता होगा कि मसनवी गुलजार नसीम किसकी मसनवी है? पंडित दयाशंकर नसीम की। ये मसनवी आपने कब लिखी थी? 1838 और 39, नोट कर लेंगे, याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं दयाशंकर नसीम की जो है पैदाइश कब और कहाँ हुई है। तो आपकी पैदाइश हुई 1811 ईस्वी में लखनऊ में, और 1845 ईस्वी में लखनऊ ही में रशीद हसन खां के मुताबिक आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, करीमा बेगम किस नॉवल का किरदार है? ऑप्शन आपके पास में उमराव जान अदा है, तौबत-उन-नुसूह है, लंदन की एक रात है, आग का दरिया है। तो आप मुझे ये बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी लंदन की एक रात। लंदन की एक रात जो नॉवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे ये बताइएगा लंदन की एक रात जो नॉवल है ये नॉवल कब लिखी गई, ये नॉवल कब लिखी गई है और ये किसके मुसन्निफ कौन है? तो पहले तो आप नोट कर लेंगे, पहले तो नोट कर लेंगे नॉवल लिखी गई है 1939 में, और ये नॉवल किसका नॉवल है नोट कर लेंगे, सज्जाद जहीर। सज्जाद जहीर बहुत ही अहम है। अब आप मुझे ये बताएंगे सज्जाद जहीर के खतूत के मजमुए का नाम क्या है? तब तक मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, आपसे रिलेटेड है, यानी 1905 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई याद रखिएगा, और 1973 में कजाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ, लेकिन आपकी तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। अब मैं आपको जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका जवाब बता देता हूँ, यानी आपके खतूत के मजमुए का नाम क्या है, नकोश ज़िंदा। आपके खतूत के मजमुए का नाम क्या है, नकोश ज़िंदा, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। ये चीज़ें आपको देखिए पता ही पहले से, उमराव जान अदा किसका नावल है, मिर्ज़ा महमद हादर उस्वा का, तौबत-उन-नुसूर डिप्टी नज़ीर अहमद का, आग का दरिया किसका नावल है, कुर्रतुल हैदर। आग का दरिया की भी इशाअत बहुत इंपॉर्टेंट है, आग का दरिया की इशाअत का अव्वल में ही 1959 में, ज़रूर ध्यान रखेंगे, 1959 ईस्वी में कुर्रतुल हैदर का ये शाहकार नावल है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, राजे सिंह बेदी इब्तदा में किस नाम से लिखते थे? ऑप्शन आपके पास में है, मोहसिन लाहौरी हैं, एहसान लाहौरी हैं, कबीर सिंह हैं, मुकिन सिंह हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला, यानी मोहसिन लाहौरी। ज़रा मुझे बताएंगे राजे सिंह बेदी की पैदाइश किस सन में हुई और इंतकाल किस सन में हुआ है? तो आपकी पैदाइश हुई 1915 ईस्वी में, और 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बताइएगा, राजे सिंह बेदी के पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या है, साथ ही साथ में आपके इकलौते नॉवल का नाम क्या है? तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, राजे सिंह बेदी के पहले अफसाने मजमुए का नाम है दाना व दाम, बहुत ही अहम है, और आपके इकलौते नॉवल का नाम है एक चादर मैली सी, इसे भी आप नोट कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, दिया जले सारी रात किसका अफसानी मजमुआ है? ऑप्शन आपके पास में, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, राजन सिंह बेदी हैं, कृष्ण चंद्र हैं, इसमें चौथाई हैं। तो इस क्वेश्चन का बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। अब आप मुझे ये बताइएगा ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला नावल कौन सा है, साथ ही साथ में ख्वाजा अहमद अब्बास के पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या है? इन दोनों ही क्वेश्चंस के जवाब बताएंगे। तब तक एक फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा, ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश हुई है 1914 ईस्वी में पानीपत में, और 1987 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब मैं आपको दोनों ही सवाल के जवाब देता हूँ, आपके पहले नावल का नाम क्या, इनकलाब, नोट कर लीजिएगा, और आपका पहला अफसानी मजमुआ है एक लड़की, इसे भी आप नोट कर लेंगे, बहुत ही अहम है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हयाती तनकीद किसकी किताब है? ऑप्शन आपके पास में, कलीमुद्दीन अहमद है, रशीद हसन खां है, मोहम्मद हसन है, खली कंजूम है। तो ज़रा मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन की पैदाइश कब और कहाँ हुई है और इंतकाल कब और कहाँ हुआ, जल्दी से आप मुझे बताइएगा। तो नोट कर लीजिएगा आपकी पैदाइश हुई है 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में, और आपका इंतकाल हुआ है 2010 में दिल्ली में।
आपका एक ड्रामा है जो यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है, वो है जहार। बहुत ही अहम है, जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और नीचे दिए गए सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। देखिए यहाँ पे चार आपको बयान दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें कौन कौन से जो है बयान वो करेक्ट है। जुमरा देखिए जो आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें देखिए दिया गया अलिफ बा दाल, क्या ये सही है या फिर ये सही है या फिर ये सही है या फिर ये सही है। आप सभी को अच्छे से रीड कर लीजिए, केयरफुली रीड करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, यानी जो पहला जुमरा है, पहला बयान है, ये भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है। सास जो है इसमें चुगतई का अफसाना है, करेक्ट है। चांदनी बेगम कुर्रतुल हैदर का नॉवल, ये भी करेक्ट है। रोशनी जो है प्रेमचंद का अफसाना है, लेकिन सौदाई जो है ये कृष्णचंद्र का नॉवल नहीं है बल्कि ये इसमें चौथाई का नॉवल है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बागो बहार को उर्दू जुबान के लिए बेशबाह इजाफा किसने करार दिया था? ऑप्शन आपके पास में ज्ञानचंद जैन है, कलीमुद्दीन अहमद है, गालिब है, गिलक्रिस्ट है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी गिलक्रिस्ट। आप सभी को पता ही होगा कि बागो बहार जो किसकी दास्तान है, मीर अमन दहलवी की दास्तान है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में लिसानियात की सही तारीफ कौन सी है? ऑप्शन पहला जो आपको दिया गया, जुबान के मुताला को लिसानियात कहते हैं, क्या ये सही है? जुबान के स्वरी और मानवीय पहलुओं के साइंसी मुताला को लिसानियात कहते हैं। तीसरा दिया गया, जुबान के मानवीय पहलुओं के साइंसी मुताला को लिसानियात कहते हैं। फोर्थ है, जुबान के स्वरी पहलुओं के साइंसी मुताला को लिसानियात कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। शेर की मदह व जम में बहुत कुछ कहा गया और जिस कदर उसकी मजम्मत की गई वह बनिस्बत मदह के ज़्यादा करीने कयास से, ये ख्याल किसका है? ऑप्शन आपके पास में एहतशाम हुसैन है, हाली है, शिबली नौमानी है, कलीमुद्दीन अहमद है। तो आप मुझे ये बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप सब बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश हुई है 1837 ईस्वी पानीपत में और 1914 ईस्वी में पानीपत में ही आपका इंतकाल हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में आप रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सवानह मौलाना रूम किसकी तसनीफ है? अल्ताफ हुसैन हाली की है, सर सैयद अहमद खां की है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, शिबली नौमानी की है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी शिबली नौमानी। शिबली नौमानी की पैदाइश हुई 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ में ही आपका इंतकाल हुआ है। अब देखिए अल्ताफ हुसैन हाली का भाई इंतकाल 1914 है और शिबली नौमानी का भी इंतकाल क्या है, 1914 है। इस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं। शिबली नौमानी की बहुत सारी अहम तसानीफ, अल फारूक, अल मामून, अलगजानी, अलगजाली, शेरुलाजम, मौज़न अनीस व दबीर, बहुत सारी अहम तसानी। उर्दू में तकाबली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? तो आपका जवाब हो जाएगा अल्लामा शिबली नौमानी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ड्रामा इंद्र सभा में शहजादा गुलफाम पर कौन सी परी आशिक हो जाती है? ऑप्शन आपके पास में है, लाल परी है, सब्ज परी है, नीलम परी है और पुखराज परी है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी सब्ज परी। अब यहाँ पे मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे करने वाला हूँ और उन सभी के जवाब आप मुझे बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, ड्रामा इंद्र सभा के मुसन्निफ कौन है? दूसरा क्वेश्चन मुझे आप ये बताएंगे, ड्रामा इंद्र सभा कब लिखा गया, यानी सने तसनीफ आप मुझे बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन मुझे आप ये बताइएगा, ड्रामा इंद्र सभा कब खेला गया, ड्रामा इंद्र सभा कब खेला गया। इसी के साथ साथ बताएंगे, ड्रामा इंद्र सभा किसकी फरमाइश पर लिखा गया और ड्रामा इंद्र सभा किसके अहद में लिखा गया है। इन सभी के जवाब आप मुझे बताएंगे और साथ ही साथ में ड्रामा इंद्र सभा में कुल कितने किरदार हैं, कुल कितने कैरेक्टर हैं, ये सभी आप मुझे बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन का जवाब, यानी ड्रामा इंद्र सभा के मुसन्निफ का नाम क्या, किसका ड्रामा है? आगा हसन अमानत, नोट कर लीजिएगा, आगा हसन अमानत का ये ड्रामा है।
इसी के साथ साथ मैं आप देख, कब लिखा गया है, 1852 ईस्वी में यह ड्रामा लिखा गया है, और कब खेला गया है इसे भी नोट कर लीजिएगा, तो ये खेला गया है 1854 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, यानी ड्रामा स्टेज पर कब पेश किया गया, 1854 में। किसकी फरमाइश पर लिखा गया, मिर्जा आबिद अली इबादत, नाम नोट कर लेंगे, मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर लिखा गया है। किसके अहद में लिखा गया है, तो नोट कर लेंगे, वाजिद अली शाह, किसके अहद में लिखा गया है, वाजिद अली शाह, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने किरदार हैं, कैरेक्टर हैं, तो टोटल जो है 8 किरदार हैं, इसे भी आप नोट कर लेंगे, टोटल कितने किरदार हैं, 8 किरदार हैं। 8 किरदारों के नाम क्या हैं, राजा इंद्र हैं, 4 परियां हैं, नीलम परी, पुखराज परी, लाल परी, सब्ज परी, शहजादा गुलफाम है, 2 देव हैं, काला देव और लाल देव। इन सभी को जरूर ध्यान रखेंगे, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगा सनमानत के उस्ताद का नाम क्या है, तो इसे भी नोट कर लेंगे, दिलगीर, उस्ताद का नाम क्या है आपके, दिलगीर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दस्तूरुल फसाहत और तारीख़ मोहम्मदी किस मुहक्किक ने मुरतब की हैं, ऑप्शन आपके पास है, मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर हैं, रशीद हसन खां हैं, मसूद हुसैन खां हैं, इम्तियाज़ अली खां उर्शी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 4th, यानी इम्तियाज़ अली खां उर्शी। अब आप मुझे बताएंगे इम्तियाज़ अली खां उर्शी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, और साथ ही साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है, जल्दी से अपने आंसर आप मुझे मेंशन कर दीजिए। तो आपका जवाब हो जाएगा 1904 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, और 1981 ईस्वी में रामपुरी में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस मजमूए की इशात एक तरह से इतराफ़ शिकस्त से, शायद इसमें 2-4 नज़में काबिल कबूल हों, फैज़ ने अपने किस मजमूए की तमहीद में मुंदरजा बाला बात कही है, ऑप्शन आपके पास में, जिंदा नामा है, दस्ते सबा है, नक्शे फरियादी हैं, दस्त सहे संग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बता देंगे, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 3रा, यानी नक्शे फरियादी। यहाँ पे ये सभी जो दिए गए हैं ये फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमू के नाम हैं। अब आप मुझे फैज़ अहमद फैज़ से रिलेटेड कई क्वेश्चन के जवाब बताएंगे, पहले तो ये बताइएगा फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश कब और कहाँ हुई, इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। इसी के साथ साथ मुझे बताएंगे फैज़ अहमद फैज़ के कुलियात का नाम क्या है, फैज़ अहमद फैज़ के कुलियात का नाम क्या है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 1911 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है, और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब आप दूसरे क्वेश्चन का जवाब नोट कर लीजिएगा, आपकी कुलियात का नाम है नुस्खा हाय वफा, नाम नोट कर लेंगे, बहुत ही अहम है, बहुत ध्यान से सभी को सुनना है, सुनने से चीज़ें आपको ज़्यादा याद होती हैं बनिस्बत रीडिंग करने, इसलिए सुनना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको आई थिंक क्लियर हो चुकी होंगी। फैज़ अहमद फैज़ के खतूत के मजमू का नाम क्या है, सुलेबी मेरे दरीचे में, मीज़ान क्या है आपके तनकीदी मजामीन का मजमू है, उसे भी आप याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूसुफ नाम का किरदार बागो बहार के किस दरवेश के किस्से में है, पहले दरवेश हैं, दूसरे दरवेश हैं, तीसरे हैं, चौथे हैं, तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला, यानी पहले दरवेश के किस्से में यूसुफ नाम का किरदार है, बहुत ही अहम है, ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा और उनके जवाब आप मुझे बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हम आपसे हैं, सभी के जवाब आप मुझे बताएंगे। अगर आप इन क्वेश्चन के जवाब बताएंगे तो आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी और इनको याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे आप मुझे बताइएगा पंडित रतननाथ सरसार, पंडित रतननाथ सरसार की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, पंडित रतननाथ सरसार की पैदाइश कब और कहाँ, तो नोट कर लीजिएगा पंडित रतननाथ सरसार की पैदाइश हुई है 1847 ईस्वी में लखनऊ में, और आपका इंतकाल हुआ है, और आपका इंतकाल हुआ है 1902 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में हैदराबाद में। अब आप मुझे ये बताइएगा पंडित रतननाथ सरसार जो है इनका एक नावल है फसाने आज़ाद, फसाने आज़ाद का सन मुझे आप बताएंगे, फसाने आज़ाद जो है
इसका सने तसनीफ मुझे आप बताइएगा। फसाने आजाद जो नॉवेल है कब लिखा गया है? तो नोट कर लीजिएगा, 1880 ईस्वी में ये नॉवेल लिखा गया है। बहुत ही अहम है, जरूर इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो ये जो मैंने क्वेश्चन किए हैं, इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीज़ों को तैयार करके आएंगे तो आपके लिए यह काम करना आसान हो जाएगा। आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उम्मीद करता हूँ आपके एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।